बिलावल बाणी भगतां की कबीर जीओ की एक ओ अंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद ऐसो एहो संसार पेखना रहन न को पैहरे सूदे सूदे रेग चलो तुम नजर गुदका दवई हरे ऐसो एव संसार पेखना रहन न को पैहरे सूदे सूदे रेग चलो तुम नजर गुदका दवई हरे रहाओ बारे बूटे तरने भैया सब जमल जई है रे मानस बपुरा मूसा कीनो मीज बुलैया खई है रे तनवंता हर धीर तन मनई ताकि कछु न कानी रे राजा प्रजा सम कर मारे ऐसो काल बुडानी रे हर के सेवक जो हर पाए तिन की कथा निरारी रे आवे ना जाहे ना कबूं मरते पार ब्रह्म संगारी रे पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया यह तजो जी जानी रे कहत कबीर सुनो रे संतो मिल है सारंग पानी रे पुत्र कलत्र लक्ष्मी माया यह तजो जी जानी रे कहत कबीर सुनो रे संतो मिल है सारंग पानी रे बिलावल बाणी भक्तां की कबीर जीओ की एक ओंकार सत नाम करता पुरख गुर प्रसाद ऐसो एहो संसार पेखना रहन ना को पैहरे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह नानक
दास बोले। गुरु रामदास जी महाराज दी पावन नगरी विच जिस आनंद च जुड़े हैं गुरु मेहरामत करन ए आनंद सदीवी हो जाए, ए आनंद आत्मिक हो जाए, ए आनंद विश्राम दे देन वाला हो जाए। वारासा दा कीर्तन आनंद मंगल नल सरवण कीता, अमृत वेले पातशाह ने हुक्म बख्शिया है भगत कबीर साहब जी दा। ऐसो एह संसार पेखना रहन ना को पैहरे। सूधे सूधे रेग चलो तुम नतर को धक्का दवैया रे। मन जोड़ो ताके हुक्म दी समझ पै सके। प्यार सहित फतेह गजाओ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मनुख नू समझाया मता इस संसार नू सच्चा जान ले। जो कुछ आँख देख दी है ये सच नहीं है, जो कुछ कन आवाज सुन दे ने ये भी सच नहीं है, जो कुछ जुबान बोल दी है ये भी सच नहीं। सच केवल परमात्मा है, ईश्वर है, रब है, वाहेगुरु है। जो बोलता है, जो सुनता है, जो देखता है, जो चलता है, ये छिन्न पंगर है, थोड़ी देर वास्ते सदीवी नहीं। इस वास्ते महाराज ने स्पष्ट कीता माया, माया दो ही जगत बने। हिंदुस्तानिया दे सनातन मत ने पंज तत् मन्ने ने, वेदांत ने 25 मन्ने ने। 5-25 मोह मद मत सर आढ़ी प्रबल माया। जन कबीर को जोर ना पहुंचियो कहां करे रघुराया। कबीर साहब वेदांत दी धारणा मुताबिक 25 प्रकृतियां ने, लेकिन 5 तत् गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने मन्ने ने। 5 तत् कर सृष्ट सब साजी। सारी सृष्टि दी सिरजना दा मूल स्रोत 5 तत् ने, ते पंजोई तखत पंजोई तत् बिनसनहार ने। हवा है, पानी है, अग्नि है, आकाश है, पाताल है। ये पंजो तत्तां दी होंद नाल जगत चलदा है। निरंकार नहीं, निरंकार दी प्रकाश लाइट और बख्शिश नाल ये प्रकृति कर्म करदी है। वाहिगुरु दी बख्शिश नाल प्रकृति च हिलजुल पैदा हुंदी। छोटा हुंदा है, वड्डा हुंदा है, बुढ़ा हुंदा है, मर जाता है, मुक जाता है। आज दे इस हुक्मनामे विच पातशाह ने यही समझाया कि जो संसार नू तू अपना बना के बैठे ये तेरा है नहीं, पर माया कहती है
मेरा घर, मेरा महल, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा बैंक बैलेंस। लेकिन गुरु साहब कहते ने नहीं, तेरा कुछ भी नहीं, माया दी पकड़ है, ग्रेविटी है, माया थल्ले है, संसार है, एदी पकड़ नाल बंदा खिंचया जांदा है। निरंकार यूनिवर्सल है, समुच्चे ब्रह्मंडा दा पैदाइश दा करता है। उदे तक सुरत पहुंच सके बहुत जोर लगाना पेगा। इसलिए बंदे नू बंदा दिखाई देंदा है, रब दिखाई नहीं देंदा। मनुखी जिंदगी दा आधार की है? एक शायर दा कथन बाकमाल है, गल संसारियां नू समझ पै जाए। वो कहिंदा है, कुछ फिरका परस्ती के बंदे, कुछ दौरे हरम के दीवाने, लगता है निजामे कुदरत ने इंसान बनाना छोड़ दिया। इस कुदरत दे निजाम चो फिरका प्रस्ता मिल जाएंगे, लेकिन वाहेगुरु परमेश्वर दी भगती आराधना, एक पिता एक के हम बारक वाले सपूत बहुत घट मिलणगे, ज्यादा नहीं मिलणगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि अपनत है। अपनत कदों तक है? अज दा वाक, अज दा हुक्म यही गल दर्शा रहे हैं। भाई साहब भाई गुरदास का एक बिरत बड़ा गजब का फरमान है, करता पुरख न चेते हो, कीते नौ करता कर जाना। रब का बंदा कदी भगत नहीं होए। जे रब दे घर च पहुंचया भी है अपनी लोड़ वास्ते, अपनी खुदगर्जी वास्ते, अपनी संतुष्टि वास्ते, अपनिया अरदासां वास्ते बंदा पहुंचना। भाई साहब कहिंदे ने बंदा बेगर्ज नहीं है, खुद गर्ज है। संसार विच भी खुद गर्ज है, निरंकार दे दरबार विच भी खुद गर्ज है। संसार नू भी बिजनेस दी तकड़ी च तोल के देखदा है, और निरंकार दे दरबार विच भी गुरु नू तोलण दा यतन करदा है। मैं गुरु तेरे लिए ए कीता, ये कीता, वो कीता, तू मेरे लिए की कीता। शिकवियां ते उतरदा है, निहोरियां ते उतरदा है। और भाई गुरदास कमाल कर जांदे ने, करता पुरख ना चेते हो, कीते नौ करता कर जाने। जिस रब ने समुची कायनात बनाई है ओदा ते बंदे नू कदी चेता नहीं आया, पर जिस रब ने जो संसार बनाया उस संसार विच लंपट होके रह गए, माया दे प्रभाव च खचत हो गए। तीयां पहना माण कर, तुसन रुसन साक बेबान।